नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और मस्जिदों के गलत इस्तेमाल को लेकर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने वहां की जनता और मीडिया से अपील की है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि आतंकवादियों ने 19 जून 2020 को पंपोर में, 1 जुलाई 2020 को सोपोर में और 9 अप्रैल 2021 को शोपियां में आतंकी हमलों के लिए मस्जिदों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों, मस्जिदों, इंतजामिया, सिविल सोसाइटीज और मीडिया को इस तरह के कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में घाटी में घुसपैठ की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ी हैं। रविवार को सेना और आतंकियों के बीच शोपियां के हादीपुरा में हुई मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए थे, जिनमें एक 14 साल का नाबालिग आतंकी भी शामिल था, जिसे सरेंडर करने को कहा गया लेकिन वो नहीं माना और मजबूरन सेना को उसे ढेर करना पड़ा। इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां की एक मस्जिद में आतंकी घुस गए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। ये पहली बार हुआ था जब सेना ने शोपियां में मस्जिद के अंदर आतंकवादियों को घेरा। पिछले 72 घंटों में सेना ने अलग अलग ऑपरेशन में 10 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं शोपियां में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों से आतंकवादी घटनाओं में ना शामिल होने की लगातार अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोपियां मुठभेड़ में जो 14 साल का नाबालिग आतंकी मारा गया, वो कुछ ही समय पहले आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। उससे कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन आतंकवादियों ने उसे आत्मसमर्पण नहीं करने दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।